This is Jatek, and in today's video I'm gonna show you how you guys are fill Wbjee form. तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप Wbjee बेस्ट बंगाल जेई का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों बेस्ट बंगाल जेई का फॉर्म ऑलरेडी आ गया है, तो बीटेक कोर्सेज के लिए अदर कोर्सेज के लिए आप बेस्ट बंगाल जेई का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म फिलिंग में ही गलतियाँ कर देते हैं। रिमेंबर, आपको जब फॉर्म फिल करना है तो आपको बहुत केयर करना है कि आपसे किसी तरह की मिस्टेक ना हो जाए। बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे थे, या फिर जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जब हम लोग फॉर्म फिल करते थे तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि हम लोग साइबर कैफे के हेल्प से या साइबर कैफे वाले से फॉर्म भरवा लेते थे। उसमें वो अपनी मर्जी से कुछ भी भर देता था। आपको पता नहीं है कि शायद अगर आप प्रॉपर वेस्ट बंगाल से हैं या फिर आप कोलकाता से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका 80% सीट्स कोलकाता के लिए रिजर्व होता है, या फिर अदर स्टेट कॉलेज की बात करें, अदर स्टेट्स में भी यही होता है। जैसे कि अगर UP2 की बात करें, AK2 की बात करें, तो उसमें भी जो UP के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी खासी सीट रिजर्व होती है। तो डोमिसाइल में प्रॉब्लम होती है, वो आउटसाइड भर देते हैं या गलती से कभी भर जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो अप्लीकेशन फॉर्म भरने में आपको बहुत केयरफुल रहना है गाइज। तो लेट स्टार्ट करते हैं हाउ टू फिल Wbjee अप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइज, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर जाना है और वहाँ पर Wbjee, ठीक है, वहाँ पे आपको Wbjee इंटर कर देना है। जैसे ही आप Wbjee इंटर कर दोगे, आप देखो वेस्ट बंगाल Wbjee एग्जामिनेशन डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट है, ये खुल चुकी है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि नोटिस, और यहाँ पे आप Wbjee 2020 न्यू ऑलरेडी आ गया है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर Wbjee लास्ट डेट इज़ 13/11/2019, तो जो इसकी लास्ट डेट है वो नवंबर में 13 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी, तो इसे आपको पहले ही फिल कर देना है, ठीक है। सो गाइस, स्टेप बाय फॉलो करते हैं। आपको देखिए, आपको ये दो बोर्ड दिख रहे होंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। आपको क्या करना है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अप्लाई, देखिए इसमें कुल चार स्टेप हैं, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फी। आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं वो करने हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपकी जनरल की फ़ी है वो 700 है, और OBC SC ST की फ़ी 500 है। ऑल दो 2017 में इसकी फ़ी 500 थी, तो 200 बढ़ गई है, मेरे टाइम की बात है जब मैंने इस फॉर्म को भरा था। तो आपको इसे इसी तरह से भरना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एग्री कर देना है। आप इसे आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ से प्रोसीड करके जाएंगे आगे, यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स नेम, आपका कैंडिडेट्स नेम जो भी है, फॉर एग्जांपल मेरा नेम जेटेक, तो मैं डाल दूंगा अपना कैंडिडेट नेम। आपका मदर नेम जो भी है आप एंटर कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका डेट, फादर नेम जो बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है, आपने एंटर कर दिया, ठीक। टैप पे क्लिक करते रहिए, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, आपको कौन सा आइडेंटिटी डालना है, ठीक है। तो आपको मान के चलिए कि आपको स्टूडेंट आईडी, वोटर आईडी, आप स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं, या कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट आईडी नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड, अदर पासबुक विथ फोटोग्राफ, बैंक पासपोर्ट फोटोग्राफ, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको अदर वैलिड गवर्नमेंट विथ आइडेंटिटी कार्ड में डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है, फॉर एग्जांपल आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आपने यहाँ पर डन कर दिया, ठीक है। आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दिया, ठीक, और ये आपने ईयर डाल दिया। ध्यान रहे, ईयर में आपको बहुत केयरफुली रखना है, इसमें किसी तरह की गलती नहीं हो जाए। अप्लीकेशन फॉर्म को आपको बार बार चेक करना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड की आईडी या जो भी आइडेंटिटी नंबर है वो डालना है, फॉर एग्जांपल AA20309087 मेरा नंबर है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। जेंडर मैंने अपना मेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं, आपका प्रमिसिस नंबर, नेम, आप कहाँ रहते हैं वो डालना है, प्रमिसिस नो एंड नेम। जैसे मैं रहता हूँ दुर्गापुर, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी डालूँगा, H15 जो भी आपका घर है, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं। लोकेलिटी आपके पास ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, सब लोकेलिटी आपको डालना पड़ेगा, दुर्गापुर मैंने डाल दिया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, ठीक है।
ये दोनों दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप आउटसाइड वेस्ट बंगाल के हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वेस्ट बंगाल के हैं तब भी आप भर सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कोटा है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है ठीक है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए पहले कि आपका, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल है मेरा स्टेट ठीक है, WB मैंने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया। अब इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, मेरे को डिस्ट्रिक्ट क्या लेना है, मान के चलिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है कोलकाता ही है मेरा डिस्ट्रिक्ट, मैंने यहाँ पर डाल दिया ठीक है, यहाँ पर पिन कोड डाल दिया मैंने कोलकाता का लेट से। सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना पिन कोड डाल दिया 7020 ठीक है। इसके बाद मैंने ईमेल आईडी डाल दी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल मेरी ईमेल आईडी है helplink@gmail.com यहाँ पे डाला मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल है, बस आप इतना करके छोड़ दिया, अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो डाल दें, नहीं तो वो ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। चूज़ पासवर्ड, पासवर्ड आपको कैसे सिलेक्ट करना है, पासवर्ड आपका 18 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब उसमें 18 से 13 वर्ड होने चाहिए ठीक है, अपर केस लोअर केस। तो पहले क्या करना है आपको, जैसे कि कोई नाम लिखे और अपर केस, आपको पासवर्ड में अपर केस लोअर केस स्पेसिक स्पेशल न्यूमेरिक इनका ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है दोस्तों ठीक है। जैसे कि मैंने डाला एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसके साथ मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, इसमें मैं अपर केस लोअर केस और न्यूमेरिक तीनों का यूज कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए पासवर्ड सेम हो गया, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं है, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल, मैंने ये डाल दिया मेरा फर्स्ट नेम ऑफ स्कूल, जो भी था मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया ठीक है। सिक्योरिटी डालना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर मान लीजिए आप इस टाइम पे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप सिक्योरिटी के ऑप्शन से इसको रिसेट कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं ठीक है यहाँ पे मैं इसको कैप्चा डालूंगा, कैप्चा डालते ही कैप्चा को सबमिट करूंगा और मेरा पहला डन हो गया, तो मैं फाइनल सबमिट कर दूंगा, मैं यहाँ पे नेवर कर देता हूँ और यहाँ पे फाइनल, एक बार इसे मैंने तो सब सही भरा है, तो आप इसे फाइनल सबमिट से पहले देख लें ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज करें और यहाँ पे आई एग्री करके, जैसे आपका नाम, आपके सारे एड्रेस और आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पे पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करोगे, काउंसलिंग में अगर आपने कभी भी कोई गलती की होगी डोमेसाइल में, मान के चलिए कि आपने एड्रेस गलत डाल दिया या फिर अपने नाम गलत डाल दिया, आपको बहुत परेशानी होने वाली है, तो यहाँ पे तो आपको कोई मिस्टेक करनी ही नहीं है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री कर देना है, बस यही फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती, जो कि आपको बहुत ध्यान से करना है ठीक है। यहाँ पे वार्निंग भी देता है एग्री करने से पहले कि आप इसे एग्री कर रहे हैं, एक बार आपने सब पढ़ लिया है, कैंडली चेक योर ऑल चूज पार्टिकल इफ ऑल इफ इन्फॉर्मेशन एंड वेरीफाई इनकरेक्ट ओके, फिर यहाँ पे एग्री कर लें। माई नेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप वगैरह की माई नेम, मेरा नाम सही है, यहाँ पे आपको पहले इस पर ओके करना है,
यहाँ पे क्लिक करना है, माई नेम सही है, माई फादर नेम भी ठीक है, ठीक है, माई मदर नेम यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी क्लिक कर दी कि ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, जेंडर मैंने डाला है वो ठीक है, एड्रेस जो डाला है मैंने सही है, मोबाइल नंबर जो मैंने डाला है वो ठीक है, और ईमेल आई डी ठीक है, क्योंकि ये आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है दोस्त, उसके बाद ही आप इसे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। और ये बार बार क्यों कह रहा है इतने पॉपअप पे, क्योंकि बहुत केयरफुल करना है। तो आपका ये पहला रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से डन हो गया, अब कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म आपको आगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से लिख के आएंगी, अब बाकी चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि नेशनैलिटी आपको यहाँ पे डाल देना है इंडियन, ठीक है। डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, डोमिसाइल में आपको डालना है वेस्ट बंगाल, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, क्योंकि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए 80% कोटा वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के रिजर्व है, बहुत बेनिफिशियल है। लोग अक्सर डोमिसाइल में गलती कर देते हैं, अगर आप बाहर भी रह रहे हैं, मान के चलिए आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो अगर आप दिल्ली से फॉर्म भर रहे हैं तो डोमिसाइल जो आप डालेंगे वो वेस्ट बंगाल के डालेंगे, उसमें बहुत केयरफुल रहना है। जितने भी साइबर कैफे वाले हैं वो यहाँ पे गलती कर देते हैं, वेस्ट बंगाल की जगह डोमिसाइल वो कहीं और का डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको बहुत फिर जनरल एससी एसटी, मैं तो जनरल से, तो मैंने यहाँ पे नो कर देना, अगर मैं पीडब्ल्यूडी से पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो भी बीमारी नहीं है, मैं नो कर दिया। होम डिस्ट्रिक्ट जो मेरा है वो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा हावड़ा होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इनकम कैटेगरी, अब यहाँ पे इनकम कैटेगरी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे वहाँ पे आपको सुविधाएं हैं, ठीक है ना, चाहे कि आपको फी कम हो जाएगा या फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अगर आप लोअर क्लास से हैं, मैं जैसे कि डालूंगा बिटवीन 2.5 लाख, तो मेरी इनकम है जो वो 2.5 लाख से मिलती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, डू यू बिलोंग टू TFW, क्या आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ करते हैं, मतलब आपकी फैमिली इनकम कम है और आपको ट्यूशन फी में कुछ एडवांटेज चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी ट्यूशन फी जीरो हो जाए, तो यहाँ पे आप ट्यूशन फी को यस कर दीजिए। रिलीजन में आप हिंदू मुस्लिम बुद्धिज्म कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू डालूंगा। ये वाला पार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड फार्मेसी, इस पर क्लिक कर दिया आपने, सेलेक्ट करना है वेस्ट बंगाल, तीनों के लिए आर्किटेक्चर फार्मेसी के लिए तीनों ऑप्शन है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, तीनों मैंने वेस्ट बंगाल चूज कर लिए। और यहाँ पे मुझे सिटी चूज करना है, ठीक है, मैं पहला सिटी चूज करूँगा कोलकाता, दूसरा साउथ कोलकाता, दूसरा मैं हावड़ा चूज करूँगा दोजनपुर, और तीसरा जो आपके घर से पास बांको, तो जो भी आपके घर के पास हो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और आपने इसे डन कर देना है। और फिर यहाँ पे कैप्चा दोबारा भरना है, और कैप्चा भरने से पहले जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया वो आप कर लीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9955 M1, तो आपने कैप्चा सबमिट कर देना है अपने यहाँ पे क्लिक करके, और आप से अच्छा ये आपके 12th के इक्विवेलेंट पास, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गया 12th और 12th इक्विवेलेंट, तो आपको सेलेक्ट करना है आप अपेयरिंग को, मान के चलिए आप अभी 12th में कर रहे हो, आपको करना है स्ट्रीम 10+2 और इक्विवेलेंट, ये डाल देना है आपको। बोर्ड आपका क्या है, CBSE है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप CBSE से पढ़ रहे हो तो आपने CBSE इंटरनेशनल पे क्लिक कर देना, एक ही ऑप्शन है इनके पास। तो रिजल्ट अभी फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं आएगा, पिन कोड आप डाल दीजिए 7700, ठीक है ना, 7021 जो भी आपका पिन कोड हो वो डाल देना आपको यहाँ पे, फिर इसके बाद सबमिट कर देना है। और यहाँ पे सर कैप्चर गलत हो गया, मेरे ट्यूशन नेम एंड रिक्वायर्ड, तो जो भी आपका स्टूडेंट फुल नाम, मेरा नाम है टैगोर इंटरनेशनल, तो आप डाल सकते हैं जो भी है, आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दोबारा रिफिल कर लीजिए, जो कि हर बार कैप्चा अपडेट हो जाता है, तो कैप्चा के ऊपर बहुत केयरफुल रहना आपको। 84170, ठीक है ना, ये आपने कर देना है यहाँ पे क्लिक। सिक्योरिटी पिन डिड नॉट मैच, प्लीज एंटर अगेन, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैच नहीं कर रहा, मतलब ये कैप्चा आपने गलत डाला है, तो कैप्चा दोबारा से फिल करिए, कैप्चा कई बार गलत होगा आपसे। 6788 यहाँ पे आपने डाला, इसको सबमिट कर दो, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, दोबारा से आपने जो माई फादर, माई नेम, फादर नेम सब चेक कर लेना है, मदर नेम, एडुकेशनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी जो आपने डाली है वो इम्पॉर्टेंट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर डाला है ठीक है ना, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपने डाले हैं वो सही डालेंगे नहीं, एडुकेशनल डिटेल जो आपने डाले हैं वो सही डालेंगे नहीं। जैसे ही होगा एग्री करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे यहाँ पे आपके सारे प्रोसेस अपडेट हो गए हैं। अब आपको क्या करनी है, बस अपलोड इमेज पे जाके यहाँ पे आपको एक इमेज अपलोड कर देना है, ठीक है।
आप यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्राउज करके अपनी कोई सी फोटोग्राफ अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने ये फोटोग्राफ अपलोड कर देना, ठीक है, ऑल द एक ट्यूटोरियल है तो मैंने यहाँ से सॉरी तो देखना है। चलिए मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक। और यहाँ पे सिग्नल भी आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जैसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, अब यहाँ पे मैं गलत करूँगा क्योंकि मेरे पे है नहीं, मैंने सिग्नेचर डाला नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिग्नेचर है, तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर की पिक आपको अपलोड करनी है, ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दोबारा कैप्चा डाल के Q C 7488, यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड अपलोड इमेज केयरफुली, यहाँ पे मैंने वेरीफाई किया, इसको अपलोड किया और यस कर दिया, तो ये आपकी इमेज अपलोड कर देगा। ऑल सिलेक्टेड इमेजेस आर अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे सारे आपके तीनों प्रोसेस डन हो गए, कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। और आपको क्या आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ गया, सबके इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आपको मेल के थ्रू भी आ जाएगा। तो आपके सारे प्रोसेस कंप्लीट करने हैं आपको। ये थर्ड पेमेंट क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फी, चाहे तो उसे बाद में कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीड करना है, ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक, प्रोसीड पेमेंट। ऑनलाइन ऑप्शन है, कोई ऑफलाइन ऑप्शन नहीं है पेमेंट का, तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे आपकी अमाउंट आ गई कि मुझे 700 पे करना है, मैंने ठीक है डन कर दिया, प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे वो 700 रुपीज़ का वो मिलेगा। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है आपको, पूरे 700 करना है, डेबिट कार्ड विद पिन से करना है, एटीएम कार्ड विद पिन। तो आपको अगर आप फोन नहीं लाए तो आप एटीएम कार्ड विद पिन कर सकते हैं, इसमें कुछ ही बैंक के ऑप्शन है, लेकिन अगर डेबिट कार्ड विद पिन कर डेबिट कार्ड विदाउट पिन है तो सारे बैंक के ऑप्शन है, आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं देना है। तो होप गाइस आपको अच्छे से एग्जाम फॉर्म फिल करना समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करें इस वीडियो चैनल को, जितने भी WBJEE के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं सारे टिक्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि आप कैसे ही WBJEE को फाड़ सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स में सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।